आज के वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूं सबसे अच्छे बेस्ट TWS ईयरफोन यानी ट्रूली वायरलेस स्टीरियो ईयरफोन अंडर 2000 रुपीस। ये 2000 की रेंज दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि इस बजट में मोस्टली सारे लोग परचेस करते हैं और उनको जिस तरीके के TWS चाहिए उस तरीके के मिल जाते हैं। वैसे दोस्तों अंडर 3000 का और अंडर 5000 का वीडियो आगे करने वाला हूं, पर शुरू करते हैं अंडर 2000 के बेस्ट बजट TWS ईयरफोन से। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखते रहेगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो और सारे ईयरफोन्स के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों हमारे जो अंडर के वीडियो होते हैं उसी में हमेशा कहता हूं कि हम कुछ बेसिक क्राइटेरिया रखते हैं और हर चीज के लिए ये करते हैं, इवन फॉर TWS ईयरफोन। फॉर एग्जाम्पल बैटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस यानी कि ड्राइवर साइज वगैरह कैसा है, एक्चुअल में ऑडियो कैसा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीजें देखने के बाद हम रैंक करते हैं और दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले आपको पांचवें नंबर का बताने वाला हूं और पहले नंबर का लास्ट में, ताकि आपको भी सारे TWS ईयरफोन के बारे में पता चले और आपको भी मुझे कमेंट में ये बताना है कि ये TWS रैंकिंग ओके है या नहीं। पांचवें नंबर पे आता है बोट एडॉप 441। जी हाँ दोस्तों, जिम वगैरह के लिए अगर आप एक TWS ढूंढ रहे हो तो इसकी फिट बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें शार्पनेस आता है जो कि आपको सबसे अच्छे फिट हो जाएंगे। बाकी चार्जिंग की बात करो तो सिंगल चार्ज में 5 ओवर एंड विद केस 25 ओवर का बैकअप मिलता है, 6mm के ड्राइवर मिलेंगे, IPX7 सर्टिफिकेशन मिलेगा, 2499 में आता है और इसमें टच कंट्रोल भी है। ऑडियो क्वालिटी की बात करूं तो मैं ठीक ठाक कहूंगा, इफ बैटरी इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई यू वांट टू बाय दिस TWS देन यू शुड गो फॉर इट। और ऑफर्स वगैरह चल रहे हो तो ये आपको 2000 के नीचे मिल जाएगा। वैसे दोस्तों जो भी TWS ईयरफोन बता रहा हूं उन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके जरूर चेक कीजिए। चौथे नंबर पे आता है नॉइस शॉर्ट्स नियो 2। इसमें आपको IPX4 की रेटिंग मिलती है, 6mm के ड्राइवर मिलेंगे, ऑडियो क्वालिटी की अगर बात करो तो काफी ज्यादा वेल बैलेंस ऑडियो क्वालिटी है। थोड़ी सी आवाज लाउड हो सकती थी, मतलब लाउडनेस हल्की सी कम लगी मुझे, बट ओवरऑल काफी बढ़िया तरीके से ड्राइवर को ट्यून किया गया है जिससे ऑडियो आउटपुट काफी कमाल के मिलते हैं। मिड स्लो हाई सब बढ़िया है, बेस भी पंची है एंड ट्रेबल भी काफी बैलेंस है, तो ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी इस TWS को लेकर। कॉलिंग इनमें हो जाती है बट इंडोर में बेहतर रहेगी, आउटडोर में थोड़ी सी आवाज दबने लगती है एंड गेमिंग मोड में काफी ज्यादा बढ़िया है। इनमें आपको 5 ओवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है और एक चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, इसके टच कंट्रोल में आपको वॉल्यूम कंट्रोल भी मिल जाता है और प्राइस के पास देखोगे तो ये आपको 2000 के अराउंड मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों गिव अवे के बारे में, तो इस वीडियो को देखकर आप जीत सकते हो पहले नंबर का TWS ईयरफोन जो कि आपको बाद में पता चल जाएगा कि कौन सा है। उसी लिए आपको सिर्फ करना है इस चैनल को सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए बाकी सारे सोशल मीडिया को फॉलो करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि आपका सबसे बेस्ट TWS ईयरफोन कौन सा है विथ योर इंस्टाग्राम ID और बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे आता है ओप्पो एनको W11। ये एक प्रोफेशनल लुकिंग एंड सिंपल लुक TWS है एंड आई रियली लाइक दिस TWS लुक। इनमें आपको सिंगल चार्ज में 5 ओवर एंड विद केस 20 ओवर का बैकअप मिलता है, 8mm के डायनामिक ड्राइवर मिलता है, IP55 सर्टिफिकेशन मिलता है, ऑडियो क्वालिटी की बात करो तो बहुत ही ज्यादा क्लीन ट्रेबल और वोकल्स मिलते हैं, बेस इनमें काफी कम है, बेस लवर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। अगर आपको क्लीन वॉइस पॉडकास्ट ऑडियो बुक सुनते हो तो ये TWS आपको काम आएंगे, गेमिंग भी आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंडोर में ये अच्छे है पर आउटडोर में ठीक ठाक कहूंगा क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस काफी कैची है और 1999 इसकी प्राइस है और इसमें आपको टच कंट्रोल भी मिल जाएंगे, इसीलिए ये आते हैं मेरी लिस्ट में नंबर 3 पर। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और गिव अवे पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। दूसरे नंबर पे आता है ट्रूबर्ड S1। ये TWS के लिए कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर गेमिंग है इस प्राइस ब्रैकेट में। बाकी तो इसमें चार्जिंग की बात करो तो सिंगल चार्ज में 10 आवर एंड विद केस 62 आवर का बैकअप मिलता है, 10mm के डायनामिक ड्राइवर मिलता है, IPX4 सर्टिफिकेशन मिलता है और इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात करो तो वेल ट्यून ऑडियो क्वालिटी है, हल्की सी बेस की तरफ है, मतलब बेस ज्यादा है लेकिन ऑडियो क्वालिटी काफी मुझे पसंद आई। एक चीज में बोलना चाहूंगा, लाउडनेस थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, कॉलिंग के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूंगा, चाहे आप इंडोर में यूज करो या फिर आउटडोर में। गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिलने वाला है, लेटेंसी भी काफी ज्यादा कम है, 1499 रुपीज की प्राइस है और इसमें आपको टच कंट्रोल भी मिलेंगे। अगर आप गेमिंग के लिए सिर्फ खरीदना चाहते हो तो इसे आप ले सकते हो। नंबर 1 पे आता है दोस्तों नॉइज एयरबड।
जी हाँ दोस्तों, अगर आपको गेमिंग के लिए, कॉलिंग के लिए या फिर म्यूजिक के लिए TWS चाहिए तो दिस वन इज वन ऑफ माय फेवरेट TWS इन दिस प्राइस रेंज एंड इट्स अ टोटली वैल्यू फॉर मनी। बाकी चार्जिंग की बात करो तो सिंगल चार्ज में 4 आवर एंड विद केस 20 आवर का बैकअप मिलता है, 13mm के डायनामिक ड्राइवर मिलते हैं, IPX4 सर्टिफिकेशन मिलता है, फुल टच कंट्रोल भी मिलता है। ऑडियो क्वालिटी की बात करो तो काफी ज्यादा वेल ट्यून्ड ऑडियो क्वालिटी है, मतलब आपको ऑडियो सिग्नेचर मिलने वाला है। जो ट्रेबल और वोकल्स है वो भी बहुत ही क्लीन है। वैसे बेस की बात करो तो बहुत ही ज्यादा बैलेंस है, दिखने में भी अच्छे है, गेमिंग भी आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। कॉलिंग के लिए चाहे आप आउटडोर में कर लो या फिर इंडोर में कर लो, बहुत ही बढ़िया तरीका का एक्सपीरियंस मिलेगा। 1999 की प्राइस है और इस प्राइस रेंज में आपको सभी तरीके की चीज मिलने वाली है। दैट्स व्हाई नॉइस एयरबड एट नंबर 1। जैसे मैंने बताया, अभी जो TWS ईयरफोन मैंने आपको बताया है उन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके आप वहां से भी परचेस कर सकते हो। वैसे दोस्तों, इस वीडियो को देखकर अगर आपको कुछ फायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए सो दे कैन टेक अ राइट डिसीजन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हेल्दी, स्टे सेफ।